हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सागर और आप दे रहे हैं मेकिंग में विचलन। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक रिमोट कंट्रोल चीज सर्किट जो कि लाइटिंग डेकोरेशन में बहुत ही काम आती है। तो इस सर्किट को ही मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल में नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को बनाने के लिए पहले हमारे जो चीज़ ज़रूरत है वो एक डिब्बा, ये जो बॉक्स देख रहे हैं ये बॉक्स लगेगा, और फिर एक 12 वोल्ट का एडेप्टर, ठीक है, और ये जो देख रहे हैं रिले लगेगा, 3 पीस 6 वोल्ट का रिले लगेगा, और एक एसी केबिल, ये एसी केबिल लगेगा, और एक जो स्पीकर कनेक्टर है ये जो एम्पलीफायर लगा के पीछे रहता है ये चीज़, और कुछ कलरफुल वायर्स, और आप ये जो देख रहे हैं ये जो आठ जी बी स्टिक होता है उसके साथ ये आता है, ठीक है। मैंने इसको बॉक्स से निकाला है उसका, और ये जो स्टिक देख रहा है, ये जो स्टिक देख रहा है, ये जो ये 8 GB स्टिक है इसके साथ ये आता है, प्लस एक आता है, रिमोट भी आता है और अडेप्टर भी आता है। मैंने उस अडेप्टर को यूज़ नहीं किया है, मैंने इस अडेप्टर को यूज़ किया है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं। दोस्तों, पहले आपको क्या करना होगा, बॉक्स के ऊपर ऐसे छेद करना पड़ेगा इसका नाप लेकर, क्योंकि इसको हम इसके ऊपर बिठाएंगे, ठीक है, और एक पीछे छेद करना पड़ेगा ऐसे, इससे हमारा एसी कॉर्ड घुसेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, तो इस रिले को हम फोम से स्टेप से चिपका देंगे, ठीक है। आप जो इधर से 2 पिन देख रहे हैं और इसे 3 पिन देख रहे हैं, तो इस 3 पिन जिस तरफ है हम ऐसे इसको बिठाएंगे, ठीक है, हम ऐसे इसको बिठाएंगे जिस तरफ 3 पिन है। तो अब हम इसके अंदर इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको लगा लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस अडेप्टर को भी बिठा लेंगे। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एसी कॉर्ड को इसके अंदर लगा लेंगे। हमारा एडेप्टर के साथ जोड़ना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे तार लेंगे, ये 2 तार लेंगे, क्योंकि हमारे सप्लाई इधर भी देना है, तो इसलिए हम इसको भी इसके साथ कनेक्ट करेंगे। सोल्डर कर देंगे। फिर हम इसको टेप कर देंगे, ठीक है। Thank you.
ठीक है दोस्तों, हमारा टिप लगाना भी कंप्लीट हो गया, आप इसको साइड कर देंगे ऐसे। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रिले का जो मिडिल वाला पिन देख रहा है, इस पिन में और इस पिन में हम लोग कनेक्शन कर देंगे। इस तार को लेकर, कोई भी एक वायर को लेकर हम लोग इस रिले के जो मिडिल वाला पिन है इसमें हम लोग कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। और एक तार लेकर हम लोग इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक तार लेकर, ठीक है, तो चलिए हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस तीन पिन पे कनेक्शन कर लेंगे। इस पिन से इस पिन में और इस पिन से इस पिन पे हम लोग कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। ये वाली रेड होगा, ये वाली ग्रीन होगा और ये वाली ब्लू होगा, ठीक है। ये रेड, ग्रीन और ब्लू होगा, ठीक है। तो मैंने रेड के लिए रेड, ग्रीन के लिए ग्रीन और ब्लू के लिए ब्लू वायर चूज किया है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप लोग कलरफुल वायर ही चॉइस करें, क्योंकि आपके समझने में सुविधा होगी। तो दोस्तों हमारा ये कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया है, देख ही सकते हैं ये कनेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग ये सर्किट का कनेक्शन कर लेते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं मैं यहाँ पे ब्लू, रेड और ग्रीन वायर सोल्डर कर चुका हूँ, और यहाँ पे जो ये जो पॉजिटिव का तार है ये भी मैंने कनेक्ट कर रखा हूँ, ठीक है। तो इसको हमें चिपका देते हैं यहाँ पे। और इस AI सेंसर को भी चिपका देते हैं यहाँ पे। अब फिर हम लोग कनेक्शन कर देते हैं रेड वाली वायर को लेकर हम लोग यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। ग्रीन वाली वायर को लेकर हम लोग यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, और ब्लू वाली वायर को लेकर हम लोग यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारे ये तीन का कनेक्शन हो गया। अब हम लोग पॉजिटिव का कनेक्शन कर लेते हैं। तो पॉजिटिव का हम लोग कनेक्शन इस पिन में, इस वाले पिन में और इस वाले पिन में कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारे ये वाला भी कनेक्शन हो गया। तो आप दोस्तों हम लोग इस पिन को लगा लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव को और नेगेटिव को लगा लेंगे। आप हम इस सॉकेट पे लगा लेते हैं पिन को। तो मैंने सॉकेट के पिन को लगा लिया है, और अब हम इस तार को सेव कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से, ठीक है, तो मैंने इसको लगा लिया है। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सर्किट है पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है।
आपके सामने तीन राइस लाइट है तो इसके ऊपर मैं टेस्ट करूँगा तो कैसे कनेक्शन करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो एक हर एक राइस का जो एक एक तार देखिए कमान पे देना है तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने हर एक राइस का तार देकर कमान पे दे रहा हूँ तो मैंने कमेंट पे दे दिया। फिर पहला जो हमारा रेड है तो हम रेड का कनेक्शन फर्स्ट चैनल में देंगे और पिंक का कनेक्शन हम सेकेंड चैनल में देंगे और जो व्हाइट का कनेक्शन हम थर्ड चैनल में देंगे। तो हमारा ये जो कनेक्शन हो गया अब हम इसको ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा जो चेजर सर्किट बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो आप लोग देख सकते इसका रिमोट है तो मैं इसका जो स्पीड बढ़ाता हूँ इसका इफेक्ट भी है और इफेक्ट भी है इसका चार इफेक्ट है इसमें चार इफेक्ट है। तो दोस्तों मैंने आपको टेस्ट करके दिखा दिया हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल में नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और दोस्तों मेरे तरफ से दिवाली के लिए आप लोगों का हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दिवाली अच्छी तरह से मनाना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अब तक के लिए बाय बाय।